हेलो गाइस, सैमसंग हमेशा से यूजुअली काफी सारे मोबाइल अपने मार्केट में लॉन्च करता रहता है, लेकिन उन सब में से उनका प्रीमियम और पॉपुलर जो प्रोडक्ट हमेशा से रहा है वो है उनकी नोट सीरीज। सो सैमसंग ने अभी इस साल लॉन्च कर दिया है उनका नेक्स्ट वर्जन, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 एंड नोट 10 प्लस। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसके अंदर, क्या खास है, क्या आपको ये लेना चाहिए कि नहीं, Note 10 एंड Note 10 प्लस के बीच में क्या डिफरेंस है, S Pen है जो उसका हमेशा से काफी बेस्ट फीचर रहा है, उसके अंदर क्या क्या अपग्रेड किए गए हैं। तो ये पूरे वीडियो का अच्छी तरह से देखिए, आपको पूरा पूरा हर एक चीज आपको बता दूंगा मैं Note सीरीज के बारे में, सॉरी मतलब Note 10 के बारे में। सो दिस इज विपुल, यू आर वॉचिंग सर्फेस टेक, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन मोबाइल को जो प्रीमियम लुक देता है वो दो चीजें हैं, एक तो इसकी जो विड्थ है वो सिर्फ 7.9 mm की है, और दूसरा ये आता है होल पंच डिस्प्ले डिजाइन के साथ। इसका मतलब आपके मोबाइल के अंदर छोटा सा खाली ऊपर जगह ले लेगा आपका फ्रंट कैमरा। पहले से रूमर्स थे जो कैमरा है वो राइट साइड आने वाला है, लेकिन सैमसंग ने इसको कर दिया है सेंटर में, ताकि जैसे कि हमारा वाईफाई इंडिकेटर है, बैटरी इंडिकेटर है और काफी सारे इंडिकेटर है, उनको डिस्टर्बेंस ना हो। और जो इसके अंदर हमको फ्रंट कैमरा हमको मिल जाता है वो हमको मिल जाता है 10 मेगापिक्सल का। तो सबसे पहले इस मोबाइल के अंदर मैं स्पेसिफिकेशन की बात आपको बता देता हूँ, इसके बाद इसके जो बेस्ट फीचर है जिसको प्रीमियम बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्पेसिफिकेशन की मैं शुरुआत करता हूँ डिस्प्ले से। इसके अंदर जो डिस्प्ले की साइज हमको मिल जाएगी, नॉट 10 है, इसके अंदर हमको मिल जाएगा 6.3 इंच की हमको डिस्प्ले मिल जाएगी, और दूसरा नॉट 10 प्लस के अंदर हमको मिल जाएगा 6.8 इंच की डिस्प्ले। दूसरा इन दोनों के अंदर हमको स्क्रीन मिल जाएगा एमोलेड। और स्टोरेज की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर हमको नॉट 10 है, इसके अंदर 256 GB का हमको स्टोरेज मिल जाएगा, और नॉट 10 प्लस है, इसके अंदर 256 GB एंड 512 मतलब 512 GB का भी हमको स्टोरेज मिल जाएगा। और इस नॉट 10 प्लस की खास बात है, इसके अंदर हम मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के थ्रू 1 TB तक, और नॉट 10 में हम ये नहीं कर सकते। और नॉट 10 के अंदर हमको मिल जाएगा 8 GB का रैम, और Note 10 Plus के अंदर हमको मिल जाएगा 12 GB का RAM। और मैं अभी बैटरी की बात करूं तो Note 10 के अंदर हमको मिल जाएगा 3500 mAh की बैटरी, और Note 10 Plus के अंदर हमको मिल जाएगा 4300 mAh की बैटरी। इन दोनों मोबाइल के अंदर हमको जो OS मिल जाएगा वो Android Pie मिल जाएगा, मतलब Android 9। और इसके अंदर जो कैमरा मिलेगा फ्रंट कैमरा, दोनों मोबाइल के अंदर हमको सेम मिलेगा 10 मेगापिक्सल का। ये जो दोनों मोबाइल है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ मेगापिक्सल कितने वो बता देता हूँ, बाकी डिटेल में मैं आगे बता दूंगा। ये जो दोनों मोबाइल के अंदर हमको 12+16+12 मेगापिक्सल का हमको कैमरा मिल जाएगा, लेकिन नॉट 10 प्लस के अंदर हमको एक्स्ट्रा खासियत मिल जाती है, इसके अंदर 0.3 मेगापिक्सल का हमको डेप्थ सेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कैमरा मिल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ चार्जिंग का क्या स्पीड हमको मिल जाएगी। अब डे बाय डे जैसे कि मोबाइल अपग्रेड हो रहे हैं, वैसे हम भी अपग्रेड हो रहे हैं, क्योंकि हम हाई एंड गेम्स खेल रहे हैं और हाई एंड एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं हमारे मोबाइल्स के अंदर, तो वो जो एप्लीकेशंस है वो डेफिनेटली बैटरी यूज करती है काफी सारा, तो इसके लिए हमको फास्टेस्ट चार्जिंग की जरूरत पड़ जाती है। तो इसके लिए फिलहाल के लिए रेडमी ने, वीवो ने, रियलमी ने फास्ट चार्जिंग के साथ अपने मोबाइल्स लॉन्च किए थे, और इसी के लिए सैमसंग कैसे पीछे रह जाता, तो सैमसंग ने भी लॉन्च कर दिया है 45 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग के साथ। लेकिन ये जो 45 वोल्ट है दोनों मोबाइल के अंदर हमको नहीं मिल जाता, ये सिर्फ हमको मिल जाएगा नॉट 10 प्लस के अंदर। और जो नॉट 10 है इसके अंदर हमको 25 वोल्ट की वायर फास्टेस्ट चार्जिंग मिल जाएगी, और बॉक्स के अंदर हमको दोनों चार्जर 25 वोल्ट के मिल जाएंगे। अगर 45 वोल्ट का चाहिए तो सेपरेटली हम मार्केट से परचेस कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट फीचर है रिवर्स चार्जिंग। रिवर्स चार्जिंग का मतलब आप सैमसंग के कोई भी डिवाइस यूज करते हो उसके अंदर जो वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट करता हो तो आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर चार्जिंग ले सकते हो। सिंपली जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं वॉच का, तो जैसे कि आपका मोबाइल है, आपको वॉच के चार्जिंग करना है तो आपको सिंपली रख देना है, वो आसानी से उसमें से चार्जिंग ले लेगा। तो ये भी काफी अच्छा फीचर है इस जमाने के लिए। और अभी इन दोनों मोबाइल के अंदर हमको जो चार्जिंग का पोर्ट हमको मिल जाएगा USB Type-C। एप्पल के भी काफी सारे रूमर्स अभी मार्केट में है क्या वो भी अभी टाइप सी के साथ लाने वाला है, देखते हैं वो कौन सा लाता है। और एप्पल ने जो काम किया है फाइनली सैमसंग ने भी इसमें कर दिया, इस मोबाइल के अंदर हमको 3.1 का जैक नहीं मिलेगा। और तो और इस मोबाइल के अंदर बॉक्स के अंदर हमको 3.1 जैक का जो डोंगल आता है वो भी नहीं मिलेगा, वो हमको एक्स्ट्रा परचेस करना रहेगा। प्राइस भी सैमसंग ने काफी रखी है, सैमसंग को देना चाहिए था, फिर भी जो है सो यही है। अब मैं आपको बात करता हूँ इन मोबाइल के बेस्ट फीचर का जो कि इन मोबाइल को बनाता है यूनिक। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कैमरा से।
इसके अंदर हमको जूम इन माइक का सपोर्ट मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आप अपने वीडियो को जूम करते हो तो आपका ऑडियो भी जूम होगा। इसका मतलब उसका जो साउंड होता है, उसका जो वॉइस होता है, वो भी आपका लाउड होगा। ये पूरा का पूरा आप डेमो वीडियो देख के समझ सकते हो। अब इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है बुके मोड। अभी काफी सारी कंपनी ने पहले से लॉन्च किया हुआ है बुके मोड, लेकिन सैमसंग ने इस बार कुछ डिफरेंट किया है, क्योंकि बुके मोड आज तक हम जो यूज करते थे वो हमको मिलता था सिर्फ और सिर्फ फोटोज के साथ, लेकिन इस मोबाइल के थ्रू हम यूज कर पाएंगे वीडियो के अंदर भी। यस, बुके इन वीडियो, ये फीचर इस मोबाइल को काफी अच्छा बनाता है। अब बुके इन वीडियो ये जो मोड है, इसका हम यूज करके काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी हम शूट कर पाएंगे। इन मोबाइल की सबसे अच्छी बात ये भी है, क्योंकि ये मोबाइल आते हैं 5G सपोर्ट के साथ। यस, अभी हर किसको अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। हमारे सिम कार्ड हम काफी टाइम से, हमारे मोबाइल काफी टाइम से 4G में यूज करते हैं, 5G का काफी टाइम से हम इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है 5G। तो ये मोबाइल 5G फिलहाल के लिए उसके कोरिया के, उसके होम टाउन है वहां पे ही अवेलेबल है, लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर वर्ल्ड वाइड भी वो रिलीज हो जाएगा। अब कैमरा का जो नेक्स्ट फीचर है वो है सुपर स्टेडी। इसका मतलब वीडियो के अंदर स्टेबिलिटी। इसका मतलब आप इस मोबाइल को लेके रनिंग करते भी काफी स्टेबल वीडियो शूट कर सकते हो। सैमसंग ने नॉट 9 के कंपैरिजन में नॉट 10 में स्टेबिलिटी को काफी अच्छी तरह से इम्प्रूव किया है। तो इसका मतलब चाहे हम रनिंग करें या किसी भी कंडीशन में हो, हमारे वीडियोस इस मोबाइल के थ्रू काफी अच्छे और स्टेबल शूट होंगे। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, ये मोबाइल हमको मिल जाएंगे 3 कैमरा के सेटअप के साथ। तो सबसे पहला हमारा कैमरा है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, दूसरा हमारा है 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, और तीसरा है हमारा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, और चौथी दूसरी एक्स्ट्रा की जो बात है, इसके अंदर हमको जो एक्स्ट्रा डेप्थ सेंस करने के लिए एक्स्ट्रा 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, वो हमको सिर्फ मिलेगा नॉट 10 प्लस के अंदर, और बाकी नॉट 10 के अंदर हमको जो मैंने तीनों कैमरा बताया वो हमको मिल जाएगा। इन शॉर्ट ये सभी कैमरास को लेके हम काफ़ी अलग अलग एंगल से फोटोज वीडियोज काफ़ी अलग तरीके से हम शूट कर सकते हैं। और दूसरी इस मोबाइल के अंदर ये अच्छी बात ये भी है कि हम जो वीडियोज और फोटो शूट करते हैं वो इन ऐप मतलब मोबाइल के अंदर ही काफी अच्छी तरह से हम उसको एडिट भी कर सकेंगे। और इस मोबाइल के अंदर हमको अब बिक्सबी का बटन नहीं मिलेगा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, बिक्सबी किधर भी नहीं गया, इधर ही है, वो भी आएगा पावर बटन के साथ। यस, अगर आप पावर बटन को ज्यादा देर होल्ड करके रखोगे तो वो बिक्सबी चालू हो जाएगा, और पावर बटन को आप ज्यादा देर होल्ड करके रखोगे तो मोबाइल को शट डाउन नहीं करेगा। वो शट डाउन करने के लिए आपको नोटिफिकेशन में से जाना रहेगा और ऊपर एक पावर का बटन मिलेगा, वहां पे से आप शट डाउन कर सकते हो। इन मोबाइल की मैं प्राइसिंग की मैं बात करूं तो सैमसंग गैलेक्सी नॉट 10 की प्राइस है 70,000 और नॉट 10 प्लस की प्राइस है 80,000। रूमर तो काफी ऐसे थे कि इससे भी ज्यादा में लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन सैमसंग ने इसकी प्राइस लिमिटेड रखी है, ना काफी ज्यादा ना काफी कम, क्योंकि इसके अंदर हमको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, एस पेन का हमको सपोर्ट मिल जाता है, कंप्यूटर के साथ हम सिंक कर सकते हैं, ऐसे काफी सारे हमको यूनिक फीचर्स मिल जाते हैं। तो प्राइसिंग के मामले में ये मोबाइल कंप्लीट है, और इसका जो 5G वर्जन है इसकी प्राइस और थोड़ी बढ़ के आने वाली है, अभी उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए वो सिर्फ और सिर्फ कोरिया में लॉन्च हुआ है। यहाँ पे जब होगा तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और इस मोबाइल के फीचर्स बताते बताते ये वीडियो ऑलरेडी काफी हो चुका है लंबा, तो आप बोर ना हो इसके लिए मैंने दो अलग वीडियो बनाए हुए हैं। एक वीडियो स्पेशली एस पेन के जो जेस्चर फीचर्स है वो समझाने के लिए, दूसरा इस मोबाइल के जो एक्स्ट्रा फीचर्स है, जैसे कैमरा के अंदर कुछ फीचर्स हैं, मोबाइल के अंदर कुछ फीचर्स है जैसे कि आप कंप्यूटर के साथ सिंक कर सकते हो, और तीसरा AR, ऐसे मैंने दो अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे भी आप देख सकते हो इस मोबाइल के एक्स्ट्रा फीचर्स। ये था पूरा का पूरा कम्प्लीटली वीडियो, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज नीचे मेंशन कीजिए। सो ये था विपुल, यू आर वॉचिंग सर्फेस टैप, टिल देन बाय।